गाइस आप रेडमी पोको का फ़ोन यूज़ करते हो और आपके फ़ोन में इस तरीके से प्रॉब्लम देखने के लिए मिले, मतलब कोई भी एप्लीकेशन किधर भी शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, आपकी होम स्क्रीन लॉक हो चुका है। सो इस तरीके से प्रॉब्लम अगर आपके फ़ोन में हो रहा है तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आज की इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि देख सकते हो कोई भी एप्लीकेशन में किधर भी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा है गाइस। होम स्क्रीन लेआउट का लॉक का एक नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रहा है गाइस। सो इस तरीके से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, साथ में नीच से ऊपर में स्वाइप करने पर एक सर्च बार ओपन होता है, जैसे कि देख सकते हो गूगल ओपन होता है, तो इसको भी कैसे बंद कर सकते हो आज की इस वीडियो में बताएंगे गाइस। सो काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग वाली चीज़ है गाइस, इन दोनों को साज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा गाइस, ध्यान से देखने आए गाइस। सो पहले बताएंगे होम स्क्रीन में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रहा है तो इसको कैसे सर्वा सकते हो, आज की इस वीडियो में बताएंगे। सो इसको करने के लिए नॉर्मल आपकी होम स्क्रीन में ऐसे जूम कर लेना, सेटिंग पर क्लिक कर देना। सो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो, लॉक होम स्क्रीन लेआउट। सो नॉर्मली इसको ऑन रहेगा, आपको नॉर्मली ये वाली सेटिंग को ऑफ कर देनी है। सो ऑफ करने के बाद नॉर्मली डन पे क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है। सो बैक आने के बाद लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन मैंने ऊपर ले जाता हूँ देख सकते हो, वो एप्लीकेशन आ जाता है, लॉक वाली प्रॉब्लम जो हो रहा था वो सॉल्व हो चुका है। सो आप बताएंगे ये जो सर्च बार ओपन होता है नीचे से ऊपर स्वाइप करने पर, ये सर्च बार वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो सर्च वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से जूम कर लेना, सेटिंग पर क्लिक कर देना एंड मोर पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ऊपर एक सेटिंग मिल जाएगा देख सकते हो होम स्क्रीन का, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना। नीचे के ऑप्शन देख सकते हो, स्वाइप अप द होम स्क्रीन टू ओपन सर्च। सो नॉर्मली ये वाली ऑप्शन ऑन जाएगा, आपको ऑफ कर देनी है। सो ऑफ करने के बाद नॉर्मली बैक आ जाओगे, नीचे से ऊपर स्वाइप करता हूँ देख सकते हो, तो कोई भी सर्च बार ओपन नहीं होता है गाइस। साथ में कोई भी एप्लीकेशन किधर भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई भी लेआउट लॉक का जो प्रॉब्लम होता था वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर सकते हो, और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड